43वें केंद्रीय संचार मंत्री और 10वें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के बमोरी क्षेत्र के जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जो दर्द सिंधिया लोकसभा के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में है, मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और खास तौर पर मैं बमोरी की जनता तो मेरे लिए देवतुल्य है ही, मैं बमोरी की जनता को नमन करता हूँ। बमोरी की जनता ने तो हर बॉल पर छक्का मार दिया, कई गुगली आई राजगढ़ राघोगढ़ पर, मेरी बमोरी की जनता ने इतिहास रच दिया, इसलिए मैं बमोरी की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आजादी के बाद देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सुना है। बमोरी के क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपना खून पसीना बहा दूंगा। उक्त बात आज भारत सरकार में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमोरी विधानसभा में आयोजित मतदाता अभिनंदन सभा को संबोधित करते हुए कही। सुनिए वे और क्या कुछ बोले। हमारे 8 लोग इंदौर जाते हुए इनका हादसा हो गया था। जब मैं सांसद, केवल मेरे मतदाता केवल नहीं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और इसलिए आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, इंद्र देवता के आशीर्वाद के पहले पूरे क्षेत्र में बड़ा उमस का वातावरण था। तापमान तो 42-43 डिग्री था, पर पसीना ऐसा छूट रहा था। मैंने सदैव कहा है कि मेरे मतदान केंद्र नहीं है, मेरे एक एक किले हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 किले होते थे, वैसे बमोरी में भी कुल मिलाकर 250 किले थे हमारे, और एक एक किले पर आपने मिलकर भगवा झंडा गाड़ के रख दिया मेरे भाई और बहनों। और पूरे संसदीय क्षेत्र के 2185 किलों पर मेरी क्षेत्र की जनता ने भगवा झंडा गाड़ के रखकर पूरे राष्ट्र पटल पर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये जीत केवल बमोरी विधानसभा की जीत नहीं है, ये जीत केवल गुना संसदीय क्षेत्र की जीत नहीं है, ये जीत यहां बैठे हुए एक एक सर सेनापति की जीत नहीं है, ये जीत एक एक कार्यकर्ता की मेहनत। और गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।